हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट पुनीत, और प्रीमियर प्रो का फाइनली जो है वो नया 2025 वाला बीटा आ गया है। 2025 में क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं प्रीमियर में, एआई तो आने वाला ही है, बट अभी इनिशियली 2025 का जो बीटा या 2025 में जो भी नया वर्जन रिलीज होगा उसमें क्या नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं जिससे आपका वर्क फ्लो एडिटिंग का ईजी हो जाएगा, वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। वैसे पब्लिक बीटा ऑलरेडी रिलीज कर दिया है प्रीमियर ने, अडोब ने। अगर आपने जो है वो प्रीमियर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप इसका बीटा आज के आज ही इंस्टॉल कर सकते हो। अगर नहीं लिया हुआ तो आप 2024 के एंड तक वेट करना, इसका जो ऑफिशियल वर्जन है वो रिलीज हो जाएगा। अभी मैं बीटा 225.1 जो है यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ मेरे लैपटॉप पे, और आपको बताने वाला हूँ 5 कमाल के फीचर जो बिल्कुल गेम चेंजिंग है स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रीमियर प्रो। तो स्टार्ट करते हैं क्विकली, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी आप लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही होगी, और ये रहा यहाँ पे आपको मेरा जो है विंडो ओपन होता हुआ नजर आ रहा होगा प्रीमियर प्रो का, और यू कुड सी यहाँ पे बीटा का लोगो भी नजर आ रहा होगा आपको। तो मैं अभी बीटा 25.1 वर्जन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये एक लेटेस्ट वर्जन है जो जस्ट अभी बेसिकली जो है वो प्रीमियर ने रिलीज किया है। और सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा ना, दैट इज दिस न्यू प्रोजेक्ट जो है वो टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ आपको यहाँ दिख जाएगा। तो कंपनी ने यहाँ पे आपको टेम्पलेट के ऑप्शन दे दिए हैं, ये एक नया सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। सपोज करो अगर आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, जैसे मैं प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ टेस्ट कलर, ठीक है, तो कलर ग्रेडिंग को लेके ये बहुत बड़ा अपडेट आया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट जस्ट एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे सोशल मीडिया टेम्पलेट है, अगर आपको सोशल मीडिया के लिए एक्सपोर्ट करना है जैसे कि रील फॉर्मेट में, तो उसके लिए डेडिकेटेड टेम्पलेट मिल गया है। और अगर आपको स्टैंडर्ड फुल HD फाइल टैंपलेट चाहिए, और अगर आपके पास ब्रॉडकास्टिंग को टैंपलेट है, तो आपको ये बने बनाए टैंपलेट मिल जाते हैं जिससे आपको बार बार रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। आप अपना खुद का भी कस्टमाइज टैंपलेट बना सकते हो, और अगर आपको नहीं बनाना तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड टैंपलेट को सिलेक्ट करके और सीधे क्रिएट कर लो, और आपका जो है यहाँ पे प्रीमियर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको स्किप कर देंगे, फाइल हम डायरेक्टली बिन फोल्डर में डालेंगे और इसको फुल साइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस टैंपलेट में आपको देखने को मिलता है फुटेजेस का ऑप्शन, राइट, तो आप अपना फोल्डर बने हुए मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको अलग से फोल्डर नहीं बनाने। ये आपका सीक्वेंस है नीचे, ठीक है, तो आपको दो सीक्वेंस मिल जाते हैं। फुल HD सीक्वेंस पे अगर आपको एडिट करना है तो आप डबल क्लिक करो और अपने फुल HD सीक्वेंस पे आ जाओ, और अगर आपको 4K सीक्वेंस पे एडिट करना है तो आप 4K सीक्वेंस पे आ जाओ। ये एक बहुत कमाल का अपडेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इसके साथ साथ में फुटेज का फोल्डर है, ऑडियो का फोल्डर है, ग्राफिक का, तो आपको सारे बने बनाए फोल्डर्स यहाँ मिल जाते हैं। फोटो का फोल्डर है, तो आपको अलग से बिन क्रिएट करने की नीड नहीं है, यहाँ बना बनाया हर एक चीज़ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो हम पहले फुटेजेस के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हम फुटेजेस कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से मैं कुछ फुटेजेस जो हैं वो इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। मुझे कुछ इंपोर्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुटेजेस आ गई हैं। अब इसको अपन टाइमलाइन पे ले आते हैं, ठीक है। अब सबसे कमाल की चीज़ जो हमें देखने को मिलती है ना, यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी विंडो ऐड कर दिया है। अब ये प्रॉपर्टी विंडो बड़ा कमाल का है, क्योंकि आपको ये सारे क्विक एक्सेस दे देता है। जैसे आपको याद होगा कि पहले अगर मुझे मेरी फुटेज को क्रॉप करना था, या उसके अंदर कोई भी और चीज़ें मुझे ऐड करनी थी, तो मुझे यहाँ इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे आकर के करना पड़ता था, ठीक है, अपनी पोजीशंस को सिलेक्ट करना। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा है शुरू से, प्रीमियर आधे लोगों को इसी वजह से समझ नहीं आता। तो एक तो हमें यहाँ पे टेम्पलेट वाला फीचर मिल जाता है फर्स्ट, सेकेंड हमें यहाँ पे फीचर मिलता है प्रॉपर्टीज़ का। तो प्रॉपर्टीज़ में आप जा करके सीधे, आपको कुछ करने की नीड नहीं है, आपको लुमेट्री कलर्स तो यहाँ मिल ही रहे, साथ साथ में प्रॉपर्टी मिल रहा है, हर चीज़ की प्रॉपर्टी आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि मुझे अगर सपोज करो इस फुटेज को जो है वो उसकी पोजीशन को चेंज करना हो, या उसकी ओपेसिटी को कम करना हो, या उसकी रोटेशन को करना हो कंट्रोल, तो आप यहाँ से हर एक चीज़ नाउ कंट्रोल कर सकते हो। ये एक कमाल का फीचर है, लिटरली कमाल का फीचर है, ये आपके वर्क फ्लो को ईजी कर देगा। जैसे मुझे क्रॉप करना है, आप सपोज करो मुझे एक एनामॉर्फिक क्रॉप लगाना है इसके ऊपर 17:9 वाला, 10% 5% टॉप से कर दूंगा और 5% बॉटम से कर दूंगा, और ये हमारा सिनेमैटिक एक्सपेक्ट रेशियो जो है यहाँ बन के रेडी हो गया, क्रॉप लग गया सीधे। तो आप इस तरीके से ना, मतलब सब कुछ क्विकली कर सकते हो। पहले इफेक्ट में जाना पड़ता था, इफेक्ट जाकर के ढूंढो फिर अप्लाई करो, वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक था। इवन ऑडियो के लिए भी यहाँ पे आपको लेवलिंग मिल गई है, पहले हमें ऑडियो करने के लिए हमें ऑडियो पे डबल टैप करके और ऑडियो लेवल्स को कंट्रोल करना पड़ता था, बट अब वो भी चीज़ नहीं रह गई है। सिंपली आप यहाँ आओ और यहाँ ऑडियो के डेसिबल को या ऑडियो को म्यूट करना है, वो सब कुछ कंट्रोल कर लो। इसके अलावा पोजीशन भी आपको मिल जाती है, जैसे कि मैं एक बार इसको आपको क्रॉप करके और फिर दिखाता हूँ। जैसे कई बार हम 4K फुटेजेस डाल देते हैं टाइमलाइन पे, और वो फुटेजेस जो हैं वो फुल HD टाइमलाइन पे आकर के जूम हो जाती है, तो अब सीधे आपको यहाँ फिट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करो और ये ऑटोमेटिकली क्लिप को जो है वो फिट कर देगा ऑन दी स्क्रीन। तो ये भी कमाल का फीचर जो है वो क्विक एक्सेस में बोलूँगा यहाँ मिल जाता है। स्केल करने का जैसे बताया फीचर यहाँ मिलता है आपको, और एक और चीज़ है, अगर आपको यहाँ से नहीं करना है स्केल अप और अपनी क्रॉप नहीं करनी इमेज को, तो यहाँ पे भी आपको क्विक ड्रॉप डाउन विंडो मिलती है। तो ये स्केलिंग के लिए आपको यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो मिल जाती है,
ठीक है। और इसके अलावा क्रॉप के लिए जो है वो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो मिल जाती है, तो हर एक चीज इजीली एक्सेस हो सकती है। जो हमारा प्लेयर है उस पर भी क्विक एक्सेस आ गया है, और साथ साथ में साइड में प्रॉपर्टी विंडो भी दे दी गई। तो ये एक बहुत अच्छा अपडेट जो है वो मुझे लगता है प्रीमियर ने ऐड किया, और बीटा में तो बड़ा कमाल का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ वर्क प्लेसेस में आएंगे, तो यहाँ पे आप ऑफकोर्स अपने अदर इफेक्ट चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लुमेट्री कलर डाला हुआ है, तो मैं अगर लुमेट्री कलर पे जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे लुमेट्री कलर ओपन हो गया, और लुमेट्री कलर की भी अपनी सेटिंग्स दे दी हैं इस बार इन्होंने, ठीक है। तो अब उसका एडवांटेज ये है कि अब जो है वो डायरेक्ट वर्क फ्लो आप सेट कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल क्लिप्स डाली हैं लॉग वाली, जैसे ये लॉग की एक क्लिप है, ठीक है, अब मैं जैसे इसे टाइमलाइन पे इंपोर्ट करूंगा ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है, जो कि रेक 709 कलर होगा उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये कलर मैनेजमेंट को बहुत इजी कर देती है। अब उसके लिए क्या है, यहाँ पे कलर स्पेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेक 709, और यहाँ पे आउटपुट भी जो है वो रेक 709 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली, बेसिकली लॉग फुटेज थी, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लट भी ऐड कराना चाहूँ तो मैं सीधे लट भी ऐड कर सकता हूँ। अगर आपका फुटेज कैनन की है, सोनी के, निकॉन की, तो वो ऑटोमेटिकली टाइमलाइन पे ला करके एक पर्टिकुलर टोन पे यहाँ पे आपको लाके कन्वर्ट करके दे देगा। मैं अगर इसको भी ऑफ करता हूँ तो यू कुड सी के लॉक फुटेज है, बट जो कि ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे रेक 709 में कन्वर्ट हो गई है। एंड वी हैव ऑल अदर ऑप्शंस आल्सो, अगर आपके पास HLG है या फिर अगर आपके पास में रेक 2020 में इसे कन्वर्ट करना है, तो वो सारा कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा कलर मैनेजमेंट का वर्कफ्लो मिल जाता है। बाकी आपके पास लुमेट्री कलर भी है, आप सीधे यहाँ पे जाकर के लट अप्लाई कर दो, और आपकी फुटेज जो है वो डिफरेंट लुक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, व्हाट्सो एवर लुक यू वांट टू कन्वर्ट इट। और इसमें एक ऑटो का फीचर भी डाल दिया, ऑटोमेटिकली जो है वो हाईलाइट और क्लिप के अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेगा सेटिंग्स को थोड़ा बहुत। तो ये एक और अच्छी चीज़ ऐड की है इसके अंदर। बाकी अगर आप प्रीमियर या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, आप मेरी ये लट्स ट्राई कर लेना। ये मैंने लट्स बनाई हुई हैं जो कि कस्टम लट हैं, जो एक क्लिक में आपकी फुटेज को सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट कर देती हैं। ये सोनी के लिए भी काम करेगी, निकॉन में भी करेगी, कैनन में भी करेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आपका सारा काम ईजी हो जाता है, और बिल्कुल एरी वाले जो सिनेमैटिक लुक है ना, वो आपको ये लट बना के देती हैं। काफ़ी मेहनत मशक्कत करके मैंने लट्स बनाई हैं, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये लुमेट्री कलर वाला एक और एडवांस फीचर उन्होंने डाल दिया है। लुमेट्री कलर की सेटिंग्स भी देख सकते हैं, और यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक और अच्छी चीज़ जो ऐड की है, अगर आपने कोई भी टाइमलाइन पे ग्राफिक या टेक्स्ट डाला हो, जैसे मैं यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल टेक्स्ट एक ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको लिखता हूँ पुनीत, तो आप उस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। दैट इज इनसेन, दैट इज अमेजिंग। पहले आपको अगेन इफेक्ट्स में जाकर के और उसका टेक्स्ट को मैनेज करना होता था, फॉन्ट्स को मैनेज करना होता था, एनिमेशन को ऐड करना पड़ता था, अब नहीं करना कुछ भी। आपको अगर कलर डालना है तो कलर डाल सकते हो, आपको अगर उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो पोजीशन चेंज कर सकते हो, आपको फॉन्ट चेंज करना है, हर एक चीज का नाउ यू हैव अ कंट्रोल एट प्रॉपर्टी ऑप्शन। इवन अगर आपने कोई मोशन ग्राफिक्स भी डाला होगा ना, तो उसका भी प्रॉपर्टी यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ईजी टू मेक सोल्यूशन प्रीमियर में बन के हमें मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज साउंड। तो साउंड के लिए भी नाउ यहाँ पे आपको एक कमाल का फीचर देखने को मिलता है। तो आप जैसे ही ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर आप थ्री लेयर्स पे आएंगे, थ्री डॉट्स पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओपन मोर ऑडियो कंट्रोल, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका डायलॉग कंट्रोल फीचर आ जाएगा। अगर आपके मल्टीपल म्यूजिक आपके टाइमलाइन पे था, उसे टिक मार्क कर सकते हो, फ्लैग दे सकते हो कि वो साउंड इफेक्ट है या म्यूजिक है या डायलॉग है। और इसके साथ साथ डायलॉग वाले फीचर्स हैं, जैसे कि हमारा इनहेंस ऑडियो वाला जो फीचर है वो भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक कमाल की, बेसिकली मैं बोलूँगा कि टाइमलाइन मैनेजमेंट में ना बहुत आसानी हो जाएगी। आपको अपनी ऑडियो को भी यहीं एडिट कर लेना है, आपकी वीडियो को भी यहीं एडिट कर लेना है, और प्रॉपर्टी पे ही सारा का सारा काम हो जाएगा। आपको कोई भी अलग से सेपरेट सर्च करके किसी टूल में जाने की नीड नहीं है। ये एक नया बड़ा अपडेट हमें प्रीमियर प्रो में देखने को मिलता है। इसके बाद थोड़ी सी UI भी रिफाइन करी है। अगर हम UI को लेकर के बात करें, थोड़ी सी UI आपको अच्छी लगेगी। इसमें नए मोड भी दे दिए हैं, तो आपको अब डार्क मोड और वाइट मोड भी देखने को मिलेगा। तो मैं पर्सनली ग्रे मोड जो नॉर्मल मोड है वो यूज़ करता हूँ, रात में अगर आप चला रहे हो तो आपको डार्क मोड भी एडिशनली मिल जाता है। और इसके साथ साथ में हार्डवेयर एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा। तो H.265 के जो लोगों को प्रॉब्लम आया करती थी, अगर आप सोनी कैमरा यूज़र हो, तो H.265 के कंप्रेशन को ग्रेड करने में, एडिट करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो कंप्रेशन भी सॉर्ट हो गया। यहाँ पे आप 2 times फास्टर रेंडरिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी उस पर्टिकुलर कंप्रेशन के ऊपर। और इसके साथ साथ में प्रोग्रेस के अंदर भी आपको 4 times फास्टर रेंडरिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये नए नए मोटे मोटे अभी तक बीटा में अपडेट आए हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर ओनर हो
आपने ऑलरेडी इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसका बीटा जरूर चला के देखना एक बार, ताकि आपको क्लैरिटी हो पाए, ताकि आप नए फीचर्स को यूज कर सको और साथ ही साथ में नए फीडबैक्स भी अडॉप्ट टीम को दे सको, ताकि वो इन चीज़ों को टाइम टू टाइम इंप्रूव कर सके अपने सॉफ्टवेयर में। बाकी इट्स अ ग्रेट सॉफ्टवेयर नाउ, मैं अभी ऑलरेडी इन सब फीचर्स को यूज कर रहा हूँ एंड आई हैव रियली लव्ड स्पेशली दैट प्रॉपर्टी विंडो जो कि मेरी लाइफ को ईजी कर देती है। एज आई मैंशन किया गाइज, अगर आप लट्स कलर ग्रेडिंग करने के लिए ढूंढ रहे हो तो मेरी लट्स को जरूर चेकआउट करना। ये सोनी कैनन निकॉन सब कैमरास के लिए बनाई है मैंने, एक क्लिक में सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट कर देती है, जाके जरूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।